हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मोनिका देसी ब्लॉग में आपका वेलकम करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। और फ्रेंड्स, टाइम हो गया है, 3 बज गए करीबन, और ये चाय बना के मैं नल ले आई थी क्योंकि मैं दूसरे काम से अभी अभी जस्ट फ्री हुई हूँ और अब मैं चाय पीऊँगी। तो आप लोग भी मेरे साथ आ जाइए, चाय इन्जॉय कीजिए। और गाँव में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि लाइट नहीं आती है सच में। मतलब अभी जैसे मैं फ्री होके आई हूँ और रूम में आके अभी अभी बैठी हूँ और लाइटें चली गई, बहुत बुरी हालत। अब मैं वापस बाहर जाके बैठूँगी, मतलब थोड़ी देर भी रेस्ट करने का टाइम नहीं मिलता है। उससे पहले या तो लाइटें चली जाती है या फिर कुछ ना कुछ काम आ जाता है। वैसे भी 4 बजे से वापस खाने पर लगना है, 3 तो बज चुके हैं। चाय पीने के बाद सीधा खाने में के लिए किचन में जाना है क्योंकि फिर गाय वगैरह भी आ जाती है तो उनको भी देखना पड़ेगा। तो चलिए फ्रेंड, आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। ये शाम का टाइम है, करीबन 5 बज गए हैं और मैं बना रही हूँ भिंडी। और भिंडी आज 2 बार आ गई थी क्योंकि हस्बैंड जी आए थे, वो भी ले आए थे, और हमारे भाई साहब वो भी लेके आ गए थे। तो भिंडी 1 किलो करीबन हो गई थी, तो मैंने सोचा मैं ड्राई भिंडी बना देती हूँ क्योंकि फिर गांव में ये होता है कि गांव में क्या, जहाँ हम रहते हैं वहाँ पे भी ऐसा ही होता है। जिस दिन अगर ज़्यादा एक्स्ट्रा सब्ज़ी बन जाती है तो सुबह हम लोग बहुत कम सब्ज़ी बनाते हैं, ज़रूरत होती है तभी बनाते हैं। जब सब लोग इकट्ठे होते हैं कि अब सब्ज़ी बनाना ज़रूरी है, नहीं तो गांव में ये होता है कि छाछ, दही, दूध, घी हो जाता है, या फिर चटनी बना लेते हैं, सिलबट्टे पे चटनी बांट लेते हैं, उसी से खा लेते हैं। इतना ज़रूरी नहीं समझते हम लोग कि सुबह के टाइम पे सब्ज़ी बने ही बने। और जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ पे भी ऐसा ही होता है, करीबन कभी कभी मतलब बनती है सब्ज़ी, नहीं तो नहीं बनती है, कि यार 2 लोगों के लिए क्या बनाऊँ, नहीं तो फिर पुलाव वगैरह ऐसा कुछ बना लेते हैं, पर सब्ज़ी बहुत कम बनाते हैं। गाँव में भी यही होता है, और बच जाती है तो सुबह खा लेते हैं। नखरे कोई भी नहीं करता, और जिसके नखरे होते हैं तो दूध या दही या घी से किसी से भी खा लेते हैं। मेरी बन रही है चूल्हे पे रोटी, आप लोग भी आ जाइए, गर्मा गर्म खा लीजिए। भिंडी की सब्ज़ी बनाई है और रोटी बना रही हूँ, फटाफट बना लेती हूँ क्योंकि जल्दी खाएंगे सब लोग। और आज उस चूल्हे पे खाना नहीं बना रहे क्योंकि उसको मैंने थोड़ा सा लीपा था, इसलिए थोड़ा सा क्या, उसके मतलब मिट्टी लगा के छोड़ी, अब लीपना बाकी है, उसमें मारने वगैरह बनाने बाकी है, और इसलिए इस पर बना रही हूँ। ये भी बहुत गीला हो रहा था, बड़ी मुश्किल से जल रहा है, पता नहीं, बहुत धुआं भी आ रहा है इसमें। देखो अभी मैं आई हूँ मकैना की, मैं कुछ चाहिए ही नहीं, मैं कुछ कह रहा हूँ पहले सुनो। अभी एक्सचेंज ऑफर बताया क्या होता है, अभी ये फ़ोन है तो इसको एक्सचेंज करके आप दूसरा ले सकते हो। लो दादी, हाय। यहाँ मैं साथ के साथ सबको खाना दे दूँगी। ये होता है ना कि सबको गरम गरम खाना देती जाऊँ ताकि फ्री होते जाए, ज़्यादा मतलब फालतू रोटी नहीं बनाऊँ, नहीं तो फिर बन जाती, खैर बच जाती है। आटा हम लोग फ्रिज में नहीं रखते हैं, गांव में मेरी सासू माँ फ्रिज में आटा नहीं रखने देती, वो कहती है अगर बन जाती है तो कोई नहीं, सुबह गाय को दे देते हैं हम लोग, बाटे में डाल देते हैं, पर ठंडी रोटी वो कभी खाने भी नहीं देते हैं ना। वो मतलब जैसे हम जहाँ रहते हैं ना तो ठंडी रोटी बच जाती है, तो कभी जैसे गासे कर लेते हैं या फिर उनके पोहे बना लेते हैं ठंडी रोटी के, तो वैसे यहाँ पे मेरी सासू माँ कभी भी नहीं करने देते। वो यूँ सीधा ही एक ही बात बोलते हैं कि तुमसे खाना नहीं बनता है या तुमसे काम नहीं होता है जो तुम लोग ठंडी रोटी खाते हो। तो उनका कहना भी सही बात है कि यार ठंडा खाना मतलब कैसे खाएं, और उन्होंने शुरू से मेरे को कभी नहीं खाने दिया। चाहे मैं वहाँ रहती हूँ वहाँ ठंडा खाना खा लूँगी, पर यहाँ उन्होंने मुझे कभी नहीं खाने दिया। और यहाँ बच्चे गए थे आज सुबह सुबह उसकी बुआ के साथ मॉर्निंग वॉक पे, तो खेत की तरफ चले गए थे तो वहीं से ले आए थे खूब सारे मक्के, तो मैं वही सेक रही थी बच्चों के लिए। तो सासू जी पूछ रहे थे कि मक्के कौन लेके आया, तो मैं उन्हीं को बोल रही थी कि भुआ भतीजे सब घूमने के लिए गए थे सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पे, तो खेत से ये आते टाइम पे तोड़ के ले आए। उनको आदत है वो बाहर रहते हैं तो घूमने की सुबह सुबह, तो वो इन बच्चों को लेके वहीं चले गए, तो वहीं से मक्के लेके आए थे।
बाड़े में क्यों रख रही है तो फिर? घर में नहीं रखते ना, टूटी हुई मूर्ति, तू इसको रिपेयर कर दे तो बात अलग है। लो 1000 रुपये में बेचूंगा था। 1000 की एक मूर्ति, 5000 की एक मूर्ति, पल पल बढ़ रहा है। ये चल राजू की चाय, मैं कह रहा कोई खरीद भी लेगा इसको तो। अच्छा ये यहाँ से भी हो रही है, देखिए इसको यहाँ पे मिट्टी लगा। अरे म्यूजियम में देंगे ना, बोल देंगे हमारे पुरखों की है, 500 करोड़ साल पहले वाली है, फोटो पड़ी है। पर फोटो टूट गई यार, कल टूटी यार, मेरी मम्मी ने जला दी। ले जाएगा, रिपेयर करेगा। रिपेयर कहाँ से करूँगा, मुझे कुछ ही नहीं आता। इसमें कलर वगैरह करेगा? ओ बोलो, कलर तो अभी पोत दूँ मैं तो, कलर तो मेरा खानदानी है काम है। फोटो है ना, लाओ तो सारी दिखाओ ना फोटो में। फोटो है पर ए, फोटो नहीं है, तो पानी से बेकार, दिखाओ तो सारी, लाओ तो खजाना। अरे तो दिखा दो ना खजाने का नक्शा हो तो। ये देख। अरे यहाँ पास में लाओ थोड़ा, ये देख पास में लाओ थोड़ा और। मैं नहीं आ रही। उधर देखो, उधर टायर के बाद तो कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, चल हट।